मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस जो एसपीपीएस इन दिस वीडियो फॉर 8th क्लास। आई एम टीचिंग यू लेसन नंबर 1 संडे। इसमें मैंने काफी डेटेस बता दिए हैं। आज आपको फिर मैं अगेन बोलूंगा जैसे कि ऑब्जेक्ट बताऊंगा। व्हाट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कर्म होता है। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए मैं अगेन आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस से बताता हूँ। जैसे कि आई गेव देम लिखो ही गेव मी ए रुपी, उसने मुझे रुपया दिया। तो देखिए हेयर दिस इज ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट। सो मी भी हो गया, ए रुपी भी हो गया। आप जानते हो मी इज द लिविंग थिंग हो गया एंड ए रुपी इज नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें एक डायरेक्ट हो गया एक इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ लिविंग थिंग, इसे मी हिम हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जैसे आर रुपीज हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ लिविंग थिंग, जैसे मी हो गया। तो इसमें ये कौन हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट पूरा। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब पूरा होता है। क्या होता है? देखिए वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्ड। देखिए वे शब्द जो पूरी करते हैं अर्थ को और कंप्लीट वर्ड के आर का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। द कॉम्प्लीमेंट में भी अ नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जैसे कि जो इज आलम के बाद वर्ड आते हैं कि सी इज ए टीचर, तो ये पूरक हो गया। सी कौन है? टीचर। टीचर कौन है? सी है। एक दूसरे के पूरक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और एग्जाम्पल लिखते यू आर क्वाइट रार, ही वाज टू केयरलेस, वो बहुत ही लापरवाह था। इस तरीके से हो गए। और आपके इसमें लास्ट दिया गया इनफाइनेटिव एंड जीरंड। देखिए इनफाइनेटिव एंड जीरंड। देखिए इनफाइनेटिव क्या होती है? इनफाइनेटिव when we use to before the first form of verb, it become infinitive। ठीक है, जब क्रियास्पाया टू लगाते हैं तो इनफाइनेटिव बन जाता है। जैसे कि इस दोनों हिंदी मत ना निकलेगा, जैसे मैं कानपुर जाना चाहता हूँ तो क्या अंग्रेजी होगी? आई वॉन्ट टू गो टू कानपुर। ठीक है। जीरंड क्या होता है? जीरंड देखिए, जीरंड इज ए वर्बल नाउन। इन केस ऑफ जीरंड आई एन जी इज टू द फर्स्ट फॉर्म वर्ब। देखिए जीरंड की अवस्था में क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगाते हैं। समटाइम कभी कभार दिस इनफाइनेटिव जीरंड टू द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस करते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, वॉकिंग चलना टहलना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अच्छा होता है इसके लिए, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू फोर डेफिनेशंस, किस किस की बताई हुई है मैंने। फाइव बता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट एंड जीरंड एंड इनफाइनेटिव। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।